गांधी जी के बारे में और मनोरमा की कला के बारे में और उपस्थित बहुत सारे कलाकारों के सामने मैं बहुत छोटा हूँ इस विषय में बोलने के लिए। मैं दावा करता हूँ, मैं लिखता हूँ, चित्रकला करता हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े विषय के बारे में बहुत छोटा हूँ। एक बात कहना चाहूँगा कि विश्व में सिर्फ दो इमेजेस ऐसी है कि चाहे वो कलाकार हो या ना हो, चार्ली चैपलिन और महात्मा गांधी। आप रेखा के दो इस तरह के लाइन खींच ले और आपके सामने प्रतिभा खड़ी हो जाती है, और वो है चैपलिन और गांधी। एक हृदय से हम सबको दूसरों के लिए संवेदना, अहिंसा, करुणा सिखाया और दूसरे ने हमें हास्य, मनोरंजन दिया। दोनों के कर्म बिल्कुल अलग नहीं थे, कहीं ना कहीं एक बिंदु पे वो मिलते थे। और अभी भी मैंने देख रहा था चित्र, तो मुझे एक वाकया याद आया बापू के की आत्मकथा सत्यनारायण सत्य के प्रयोग से। गांधी जी कुछ चित्रकार नहीं थे, लेकिन उनकी भाषा, उनके विचार, उनके अंदर इतनी बड़ी कला थी, उसका एक नमूना है। जब गांधी बापू ने अपने पिताजी के से छुपा के चोरी की और अपना एक जो कड़ा था वो काटा और बेच दिया, उनको कुछ कर्ज हो गया था बचपन में, सिगरेट वगैरह पीने से जो भी था, लेकिन उनमें हिम्मत थी नहीं पिताजी के पास जाने के लिए। उन्होंने चिट्ठी लिखी और उनके पिताजी के सामने एक जो डेस्क थी वहाँ रख दी, और उसके बाद पिताजी ने वो चिट्ठी पढ़ी। आप देखिए गांधी बापू कितनी अच्छी भाषा में एक कलाकार को शोभा दे उस तरह वो कहते हैं कि बापू ये धीमे धीमे ये पत्र खोलो, आँख माती डब डब बे आंसू पड़े, मैं दूर थी जोयू जो मुझ चितारो हो। अगर मैं चित्रकार होता तो आज भी वो चित्र निकाल सकता। ऐसे महात्मा गांधी जो आज के भयानक दौर से जो देश और समाज गुजर रहा है उसमें इतने सहिष्णु, इतने टॉलरेंट, इतने सेक्युलर, इतने महान कि हम विरासत के साथ हम खड़े हैं और इतने अच्छे चित्र आपने बनाए, इसके लिए मैं आपका सचमुच अभिवादन करता हूँ और मुझे आपने इसके लिए योग्य समझा यहाँ बुलाने के लिए, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।